उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर दी। 100 गवाहों के बयानों के साथ तैयार 500 पन्नों की चार्जशीट को सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। पुलिस प्रवक्ता और एडीजी बी मुरुगेशन ने पीएचक्यू में पत्रकार वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। एडीजी का कहना है कि 90 दिन से पहले एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े हर गवाह का बयान दर्ज किया है, जिसमें सबूतों को भी अच्छे से जांचा गया है। साथ ही अब 100 गवाहों के बयान दर्ज कर 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है, जिसको सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों का कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ जगन से कराई गई, तो उसमें उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए, वहाँ पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की, तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से, तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे मोबाइल फोन सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ पे भी है अवेलेबल रहा, वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराई गई। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहाँ पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए, जो कोर्ट के न्यायालय के सामने वो सारा करके साक्ष्य पर्याप्त मिल गया। फिर हम 90 डेज के पहले हम चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं।